गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम प्रोज में का लेसन टू जो है मार्को पोलो, उस लेसन का दूसरा पार्ट का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दे ट्रेवलर फ्रॉम वेनिस टू एशिया मीनार, वेन अक्रॉस द ब्लैक सी इंटू द क्रीमिया। वे लोग पहले वेनिस से एशिया माइनर गए तथा वहां से ब्लैक सी अर्थात काला सागर पार करके क्रीमिया पहुंचे। फ्रॉम देयर दे मेड देयर जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट ऑफ पर्सिया एंड अफगानिस्तान टू द हाईलैंड ऑफ द पमीर। Then they across the Great Gobi Desert and reached Peking. The journey took 4 years. वहाँ से उन लोगों ने पर्सिया पहुँचने के लिए पर्सिया तथा अफगानिस्तान के मरुस्थलों को पार किया। इसके बाद उन्होंने महान गोबी रेगिस्तान को पार किया तथा पेकिंग पहुँचे। इस यात्रा की समाप्ति चार वर्षों में हुई। टू अस दिस सीम्स ए वेरी लॉन्ग टाइम फॉर ए जर्नी, हमें यह यात्रा बहुत लंबी प्रतीत होती है। बट इन दो डेज पीपल प्रोबेबली थॉट देमसेल्व्स लकी दैट दे वेयर एबल टू गेट एनीवेयर एट ऑल। परंतु उन दिनों यात्री अपने को सौभाग्यशाली समझते थे कि किसी प्रकार वे कहीं सुरक्षित पहुँचे तो सही। दे वेयर मैनी कैश ऑफ ट्रेवलर किल ऑन द वे और कैप्चर्ड एंड फोल्ड एज स्लेव। उस समय यात्रियों को मार दिए जाने या गिरफ्तार कर लेने की कई घटनाओं का जिक्र सुना जाता था। सुरक्षित यात्रा की संभावना बहुत कम थी। The Polos went to the court of Kublai Khan, a grandson of the famous Mongol invader Genghis Khan. पेकिंग पहुंचकर पोलो परिवार के लोग कुबली खां के दरबार में पहुंचे। कुबली खां प्रसिद्ध मंगोल आक्रमणकारी कुबली खां के दरबार में पहुंचे। कुबली खां प्रसिद्ध मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का पोत था। He was the ruler of a vast empire with its capital at Peking. वह एक विशाल साम्राज्य का शासक था तथा उसकी राजधानी पेकिंग थी। कुबली खान received the travelers with great kindness. कुबली खान ने इन यात्रियों का स्वागत बड़े ही दया भाव के साथ किया। निकोलो एंड मासियो had already made a trip to China some years ago and
वेयर नोन टू द एम्परर। निकोलो तथा माफियो इससे कुछ वर्ष पूर्व भी चीन की यात्रा कर चुके थे और वे बादशाह से परिचित थे मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ द टास्क ऑफ लर्निंग द मंगोल लैंग्वेज। मार्को पोलो ने मंगोल भाषा सीखने का काम शुरू कर दिया। द एम्परर वाज सो प्लेस्ड विथ हिम दैट ही टूक हिम इनटू हिज सर्विस। बादशाह इससे उससे इतना प्रसन्न था कि उसने उसको अपने यहाँ नियुक्त कर लिया ही ट्रस्टेड मार्को पोलो ग्रेटली एंड सेंट हिम टू मेनी फार अवे प्लेस ऑन हिज बिहाफ। वह मार्को पर बहुत अधिक विश्वास करता था और उसको अपनी ओर से दूर दूर स्थानों पर भेजा वन ट्रिप वाज मेड इन 1287 टू बर्मा एंड अनदर सम टाइम्स लेटर द कैलोन। उसकी पहली यात्रा बर्मा की 1287 ईस्वी में की और कुछ समय पश्चात वह श्रीलंका की यात्रा पर गया। द ट्रिप टू कैलोन वाज अंडरटेकन द ब्रिंग द सेक्रेट टूथ ऑफ द बुद्धा फॉर द एम्परर। श्रीलंका की यात्रा बादशाह के लिए महात्मा बुद्ध का पवित्र दांत लाने के लिए की गई थी। लेटर मार्को वाज मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पोर्टेंट सिटी। तत्पश्चात मार्को को एक महत्वपूर्ण नगर का गवर्नर बना दिया गया। इन 1290 15 ईयर्स आफ्टर कमिंग टू बीकिंग पेकिंग में पेकिंग में आए 15 वर्ष बीत जाने पर मार्को पोलो ने 1290 ईस्वी में अपने घर वापस जाने की बादशाह से अनुमति मांगी। मार्को पोलो आस्क्ड द एम्परर परमिशन टू गो बैक होम बट कुबली खान रिफ्यूज्ड टू लेट हिम गो। परंतु कुबली खान ने उसे भेजने से इनकार कर दिया। ए लकी चांस हाउ एवर हेल्प्ड हिम। सौभाग्य से उसको एक ऑफर मिल गया। द मैरिज ऑफ ए प्रिंसेस ऑफ कुबली फैमिली हैड बीन अरेंज्ड विथ हिज ग्रैंड नेफ्यू अर्गन द विक्टोरी ऑफ पर्सिया। कुबली खान के परिवार की एक राजकुमारी की शादी उसके भांजे के लड़के अर्गुन के साथ तय हो गई जो पारस का वायसराय था अर्गुन हैड सेंट सम ऑफ हिज पर्शियन नोबल्स टू अरेंज द मैटर एंड द ब्रिंग द ब्राइड। अर्गुन ने कुछ पारसी सरदारों को संबंध तय करने और दुल्हा को काचिन की शादी के लिए फारस लेकर आने के लिए भेजा। द लेडी कोचिन टू पेड फॉर द मैरिज।
कोकिच मतलब कोकिच को लाने के लिए ना, दूल्हा कोकिच की शादी के लिए फारस लेकर आने के लिए भेजा। नाउ दैट द नोबल मैन वेयर ड्यू टू रिटर्न विथ द प्राइड दे वेयर अफ्रेड ऑफ द डेंजर एंड रिस्क ऑफ द जर्नी। अब उन सरदारों को दुल्हन के साथ पारस वापस जाना था, परंतु वे मार्ग के खतरों और जोखिमों से भयभीत थे। दे वांटेड टू टेक सम ट्रस्टेड एंड इंस्पिरेशंस ट्रेवलर विथ देम एज गाइड्स। इसलिए उन्होंने बादशाह से प्रार्थना की कि वे मार्गदर्शक के रूप में कुछ विश्वास्त और विश्वासी और अनुभवी यात्रियों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। फॉर दे रिक्वेस्ट कुबली खान टू अलाउ द पोलो टू गो विथ हिज पार्टी। तो इसलिए उन्होंने बादशाह से प्रार्थना की कि पोलो लोगों को उनके साथ भेजें। कुबली खान हैड टू एग्री, बट ही मेड मार्को प्रोमिस दैट ही वुड कम बैक टू हिम आफ्टर द जर्नी। किंतु उसने मार्को पोलो से यह प्रतिज्ञा करा ली कि यात्रा की समाप्ति के बाद वह वापस चीन लौट आएगा। द पार्टी डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय सी, बट ट्रबल्स बिगन सून आफ्टर द पार्टी स्टार्टेड। अर्थात इस दल ने सागर मार्ग से ही यात्रा करना तय किया, किंतु यात्रा के शुरू होते ही मुसीबतें और शुरू हो गई। विंड कैरीड द शिप टू इंडो चाइना एंड देन टू सुमात्रा। आंधी जैसी हवाएं उनके यान को भगाकर इंडोचीन तथा सुमात्रा ले गई। दे वेयर डिलाइड देयर फॉर मैनी मंथ। वहाँ उन्हें कई महीनों की देरी हो गई। आफ्टर मंथ सेलिंग दे रीच कैलोन एंड टचड इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका बिफोर दे रीच पेरिस। कई महीनों की यात्रा के पश्चात वे श्रीलंका पहुंचे और फ्रांस जाने से पूर्व उनको भारत तथा पूर्वी अफ्रीका जाना पड़ा। द प्रिंसेस अराइव सेफ एंड साउंड, बट टू ऑफ द थ्री पेरिशियन नोबलमैन हु हैड स्टार्टेड विथ हर डाइड ऑन द वे। राजकुमारी सुरक्षित पहुंच गई, परंतु फ्रांस के तीन में से दो सरदारों की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। व्हाट वाज वर्स, सबसे बुरी बात यह हुई कि दल के
सबसे बड़ी बुरी बात ये हुई कि अर्गुन हिमसेल्फ डाइड सम टाइम बिफोर द पार्टी रीच पर्सिया, कि दल के फ्रांस पहुंचने के कुछ समय पूर्व ही अर्गुन स्वयं भी मर गया था। अर्गुन स्वयं भी मर गया था। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे हमारा वीडियो बंद करते हैं।